तो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियाश फूड। सो आज की रेसिपी है स्पेशल हॉस्टल एंड पीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए। कुछ हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है अगर आप बाहर रह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक सुपर टेस्टी एंड ईजी रेसिपी दलिया की। बहुत ही जल्दी से बन जाती है फटाफट से। सबसे पहले लेंगे एक पैन, उसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच ऑयल, उसको इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच ज़ीरा, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। हमारे जीरे अच्छे से क्रैकल हो जाएंगे लगभग 1 मिनट में। तो उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का रफली चॉप्ड प्याज। इसको हम लगभग 1 मिनट के लिए स्टर कर लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ बारीक कटी हुई आलू। आलू को इस तरह से छोटा छोटा पीसेस में कट कर लिया है, उसे पानी में भिगो के धुल लिया था अच्छे से। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे गोभी, हरी मिर्च। इसे अच्छे से हम स्टर करेंगे। अगर आपके पास कोई वेजिटेबल्स इसमें से नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या अपनी पसंद का कुछ और ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें मटर, गाजर भी ऐड कर सकते हैं। अगर कोई सब्ज़ी आपको नहीं पसंद है तो आप उसे हटा भी सकते हैं। तो इसे हम 5 मिनट के लिए अच्छे से स्टर कर लेते हैं। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। यहाँ पर मैंने यूज़ किया था 1 चम्मच नमक। इसको लगभग हम 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, स्टर करेंगे, जिससे हमारी जो सब्ज़ी है वो अच्छे से हल्की पार्शली कुक हो जाए। फिर हम चलाते रहेंगे इसे। तो सब्ज़ी हमारी यहाँ पे पार्शली कुक हो चुकी है। 5 मिनट के बाद ये सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे रफली चॉप टमाटर, ये लाल टमाटर है एक मीडियम साइज़। अब इसको भी हम अच्छे से पका लेते हैं। तो अब सारी सब्जियों को हम इसको स्टीम में पकाएंगे लगभग 5 से 10 मिनट के लिए। 5 मिनट में आपके टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इसे हम 5 मिनट के लिए फ्लेम बंद करके ढक देते हैं। उसके बीच हम देख लेते हैं, यहाँ मैंने लिया है 2 कटोरी दलिया। इसको अच्छे से धुल लिया था, वॉश कर लिया था, इसे पानी में डिप करके रख दिया था लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आप जल्दी करना है तो कम से कम आपको 10 से 15 मिनट तो रखना ही होगा। ये सॉफ़्ट हो जाएगी, सोख हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा पकाने में टाइम नहीं लगता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम सोख करने का यही होता है। तो ये देखिए, हमारे टमाटर, आलू और सारी सब्जी अच्छे से पक चुके हैं। आप देख सकते हो 50% तो कुक हो गया है ये यहीं पे ही स्टीम वाले प्रोसेस में। इसे भी अच्छे से हम भूंज लेते हैं। अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम दलिया जो मैंने आपको बताया था। इसका पानी पूरा निकाल दिया है क्योंकि दलिया को भी हम लगभग 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूंज लेंगे। भूंजने से क्या होता है, आपकी जो सब्ज़ी है या कोई दलिया है उसका जो फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छा आता है। कच्चापन बिल्कुल नहीं रहता, वो सब निकल जाता है, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है क्योंकि कोई भी रेसिपी में। तो अच्छे से इसे हम स्टर कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, कुक कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ये हो चुका है। अब इसमें बारी आती है मसालों की। मैंने यूज़ किया 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मसालों को भी भूंज लेते हैं। अब ऐड करेंगे इसमें पानी। तो मैंने 1.5 ग्लास पानी का यूज़ किया है 2 कटोरी दलिया के लिए साथ। तो जितना आपने लेना है मेजरमेंट इसी तरह से रहेगा। अगर आप 1 कटोरी यूज़ कर रहे हो तो आप 1 या 1.5 ग्लास पानी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप इसे थिक खाते हो या ग्रेवी वाली पसंद करते हैं, पतली वाली। तो अगर आप ज़्यादा पतली पसंद करते हैं इसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर थिक पसंद है तो यही मेजरमेंट बेस्ट है। बस हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया के पत्ते और इसे स्टीम में डाल देंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। पूरी दलिया आपको 10 से 15 मिनट के लिए इस टाइम के बाद पकानी है। तो आप देख सकते हो कुछ टाइम बाद, लगभग 5 मिनट के बाद इसमें अच्छे सा बॉयल आ रहा था, तो मैंने इसे एक बार बीच में इस तरह से चला लेंगे ताकि हमारी जो दलिया है वो जले नहीं। ये आपको मीडियम फ्लेम में पकाना है, हाई फ्लेम में तो नहीं, मीडियम या लो फ्लेम में आप इसे पकाइएगा। तो ये बहुत ही अच्छे सौंधे तरीके से पक जाएगी। मैंने थोड़े से धनिया के पत्ते डाले थे इसलिए, ताकि इसका फ्लेवर ना बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक आता है। तो बस ये हमारी दलिया लगभग पक चुकी है।
तो हमने इसको स्टीम में और छोड़ दिया है। बस 5 मिनट के बाद हमारी दलिया एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो जाएगी। एकदम ट्राई सुपर कीजिएगा। टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी, आप ब्रेकफास्ट में या टिफ़िन में, मॉर्निंग में, आप इसे शाम के टाइम भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन है, देखिए आप इसे हमारा ज़रूर। दलिया अच्छे से बॉईल हो चुकी है, इसका पानी अच्छे से सूख गया इसमें होगा। पानी अच्छे से एब्जॉर्ब इसको हो एक बार चुका हम है, आप चेक देख कर सकते लेते हैं हो। अच्छे से। इसको 2 मिनट लास्ट में हम एकदम अच्छे से डाल देंगे स्टीम में। आप चाहे तो इसे प्रेशर कुकर में ही बना सकते हैं, उसमें तो फटाफट से बन जाएगा, बिल्कुल भी आपको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। प्रेशर कुकर में आपको बस क्या करना है, सारी वेजिटेबल्स को स्टर कर लेना है और दलिया को डाल के सीटी लगा देना है लगभग 2। उसकी रेसिपी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसकी भी रेसिपी अच्छे से बता दूंगी। और ये देखिए हमारी दलिया बन करके हो गई है रेडी, एकदम परफेक्ट सी, टेस्टी, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।